नमस्कार। आइए इस आपका प्रकाश डालने से पहले एक जरूरी सूचना। जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती पामिस्ट्री। चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। आइए यहाँ इस उंगली के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले कनिष्ठा उंगली के बारे में। ये इनके हाथ की कनिष्ठा उंगली और उसकी लंबाई सूर्य के पहले पद तक पहुँच गई, यानी और सात के सात का ये बीच का जो गैप है, जो सूर्य उंगली के बीच का गैप है, ये व्यक्ति को अति प्रखर बनाता है, अति बुद्धिमान बनाता है। अपनी योग्यताओं के बल पर आदमी व्यापार में हो, चाहे नौकरी में हो या किसी क्षेत्र में हो, वो अपनी पहचान, अपनी मेहनत के अनुसार, अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा दूसरे को समझाना बुझाने की बहुत प्रण शक्ति के साथ में ये इनके पास में ये इनकी कनिष्ठा उंगली। अब बात कर लेते हैं उंगली अपने आप में पूरी की पूरी यहाँ पर खड़ी हुई है, लेकिन आखिर में जा करके इसका जुड़ाव यहाँ हल्का सा परिवार से अलग हो गया है। जब इस तरह का पारिवारिक मामला होता है तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति या अपनी संपत्ति के लिए विचार मतभेद जो होता है वो परिवार के लोगों से सामना करना पड़ता है। तो यहाँ इस तरह का इंडिकेशन, लेकिन उंगली की सीधी खड़ी हुई है। आप पांच माह से पवित्र हैं, आपकी ओजस्वी भाषा है और साथ ही साथ आप जो है किसी भी क्षेत्र में जाएंगे अपना नाम करने में काबिल हैं। आइए अगली बात कर लेते हैं आपके शनि पर्व की। यहाँ शनि पर्व और शनि पर्व पर ये शनि रेखा सीधी खड़ी हुई और इस पर ये बड़ा एक कट नीचे की तरफ जो लगा हुआ, ये होता है संपत्ति विवाद या बड़े धन हानि का नुकसान। कई बार ऐसे व्यक्ति धन ले जाते हैं और जाकर के बाद में देते भी नहीं हैं। तो ये क्योंकि धन की उंगली है, शनि उंगली, भाग्य की उंगली, और इसका यहाँ पर ये इंडिकेशन, ये अशुभ इंडिकेशन नीचे की तरफ हमको मिला। आइए बृहस्पति की उंगली बात कर लेते हैं। ये बृहस्पति की उंगली, ये पति की उंगली पत्नी के लिए, पत्नी की उंगली पति के लिए। यहाँ पर ये कट इस तरह को दर्शित करता है कि इनके जीवन में वैवाहिक मतभेद पति के साथ अवश्य आएंगे और इस स्थिति के अनुसार यहाँ पर ये इनका जो उंगली का थोड़ा सा अलगाव है बीच में से हल्की हल्की दिखाई देती है, तो इनको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास भी ऐसे व्यक्तियों को होता है। तो चलिए यहाँ मैंने बात कर ली इनकी चार उंगलियों की, अब बात कर लेते हैं इनकी विवाह रेखा की तरफ। तो अभी सब तो ऊपर की तरफ चली गई है वो वहाँ पर, और साथ ही साथ यहाँ बुध पर्व की बात कर लें। ये बुध पर्व और बुध पर्व पर जाकर के इस तरह की रेखाएं जब खड़ी हो जाएं, एक त्रिशूल सा भी बन रहा है, तो व्यक्ति को अपने जीवन में श्रीम ह्रीम क्लीम तीनों का रूप से कृपा भगवान की रहती है, यानी कि ज्ञान से भी, धन से भी, और रक्षा करने वाली भगवती भी उनके साथ में रहती है। तो यहाँ पर ज्ञान की इन पर संपूर्ण वर्षा ईश्वर की कृपा से है। पर्व भी अनुकूल है, जब पर्व अनुकूल होता है तो व्यक्ति का धन के आगमन आजीवन बने रहते हैं। आइए बात कर लेते हैं सूर्य पर्वत की। ये सूर्य पर्वत और सूर्य पर्वत पर ये खड़ी हुई रेखाएं, जब इस तरह की ये रेखाएं खड़ी हुई होती हैं तो व्यक्ति को राज्य से, सरकार से लोन जल्दी मिल जाते हैं, साथ ही साथ राज्य सरकार का सहयोग भी प्राप्त होता है। इधर से देखें तो एक हल्का सा एक ट्रायंगल भी लगता है। अगर ऐसा व्यक्ति प्रयास करे तो सरकारी विभाग में, अगर ये जैसे वकील हैं तो सरकारी विभाग में ये सरकारी वकील भी बन सकती है। अब आइए बात कर लेते हैं इनके अगले पद की। ये पर्व है धन का पर्व, अनुकूल है, अनुकूल धन पर्व, लेकिन उतनी बेहतरीन रेखाएं, जितनी बेहतरीन रेखा मैं देखूँ, मछली नीचे की तरफ देख रही है। जब मछली नीचे की तरफ देखती है तो अगर मैं कहूँ तो इनके धन पर ग्रहण एक तरह से लगा रहता है, खर्चे का ग्रहण किसी ना किसी रूप से इनके धन के ऊपर लगा रहता है। चाहे ये कह दीजिए वो कहीं पर कहीं किसी रूप में ना किसी रूप में व्यक्ति को धन देना पड़ता है, लेकिन धन की कमी नहीं रहती है, इस बात को दर्शाने वाला ये पर्व। तो ये यहाँ धन लग आएगा, उस पर किसी ना किसी का ग्रहण लगा रहेगा। आइए बात कर लेते हैं आपके अगले पर्व की, जिसको बृहस्पति पर्व कहते हैं। बृहस्पति पर्व और बृहस्पति पर्व पर बनने वाले ब्रैकेट्स इस बात को दर्शित करते हैं ऐसे जीवन, ऐसे व्यक्ति के जीवन में कई कई, यही लेडीज हैं तो इनके जीवन में दो से तीन भवन, कई बार तो मैंने देखा ऐसी रेखाओं से चार चार भवन तक भी मिलते हैं, लेकिन उनके अंदर इस बृहस्पति रेखा का काटना
विवाद का कारण भी होता है, यानी संपत्ति पर विवाद का कारण भी यहाँ साफ साफ नजर आ गया। चलिए ये आपको मैंने बताया, अब मैं बात करता हूँ आपकी हृदयांगिनी रेखा या हृदयेश की रेखा, जब पत्नी है तो पति की रेखा और पति है तो पत्नी की रेखा। ये रेखा आपकी बलवती रेखा है शुरू से लेकर के आखिर तक, और इससे एक रेखा कट करके ये पहुंच गई है बृहस्पति पद तक भी, और इसको भी काटने वाली मंगल रेखाएं भी विराजमान है। ऐसी स्थितियों के अंदर जब जब ये स्थितियाँ देखने को चलती हैं तो वैवाहिक जीवन के जहाँ तक सवाल का हुआ है, मैरिड लाइफ का सवाल है, तो ये तो शुरू से ही कटास पटास का आपका रहा, संबंध अच्छे नहीं रहेंगे पति के साथ में, ये बिल्कुल यहाँ पर दर्शाने वाली अनुकूल स्थितियाँ नहीं हैं। तो यहाँ पर पति के साथ वैचारिक मतभेद और साथ ही साथ कई बार बहुत ऊंचे स्तर के झगड़े झंझट और कई बार ऐसी स्थितियाँ के तलाक तक की स्थिति का सामना, मैंने तो देखा है ऐसी स्थितियों में तलाक भी हो जाते हैं। तो चलिए ये आपका हो गया, आपने बात करा, अगला सवाल है आपका कैरियर। मैं और रेखाओं को के साथ साथ आपको सवाल के लिए मैरिड लाइफ का हो गया, अब मैं कैरियर की बात करता हूँ। देखिए आपकी उम्र है इस समय पर ऐसे समझिए लगभग 54-55, तो 55 की आपकी एज और 55 में ये आपकी रेखा यहाँ पर पहुँच गई, और ये यहाँ पर इससे पहले थोड़ा सा ये कट भी गई है, यानी कि अगर मैरिड लाइफ में देखें तो बहुत बड़ा एक तरह से भूचाल ज़्यादा जो हो गया है वो आपके जीवन में हो गया, लगभग 53 वर्ष से शुरू हो गया। तो यहाँ जिसने कैरियर को भी प्रभावित कर किया होगा, तो ये एक तरह से यहाँ ये जीवन की जो 55 वर्ष तक आपके लिए है, 53 से 55 के बीच में ज़्यादा स्थितियाँ ज़्यादा अनुकूल नहीं रही होंगी, इसमें कोई दो राह आपके हिसाब से हाथ के हिसाब से नहीं है। तो यहाँ बहुत टिपिकल स्थिति है। उसके बाद में यदि मैं देखूँ तो यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा चली है, और ये यहाँ पर क्योंकि मैं उल्टी मछली यहाँ बता रहा था, तो यहाँ पर कोई धन से संबंधित बहुत बड़ी प्रॉब्लम चलती रहेंगी, झंझट चलते रहेंगे, लेकिन ये मछली उल्टी है, सीधी है, आपके पक्ष में ही जाएगी। तो कैरियर आगे का अच्छा है, आप अनुकूल स्थितियों में आगे तक भी काम करती रहेंगी, इसमें भी कोई दोहरा नहीं है। तो ये अपने आप में यहाँ थोड़ा इस समय उलझन भरा समय चल रहा होगा, इससे आप लगभग 55 वर्ष के जाते जाते बिल्कुल 56 के बीच तक मध्य तक निकल जाएंगे। तो फाइनेंस स्थिति सही है आगे की, और कैरियर स्थिति भी यही है, अभी कुछ डिफिकल्ट चल रहा है। आपने पूछा हेल्थ के लिए, देखिए हेल्थ के लिए आइए मैं आपकी रेखा को देख लेता हूँ, आयु रेखा को, यहाँ आपकी आयु रेखा, और यहाँ से अगर मैं देखूँ नीचे चलती हुई तो लगभग 35 से 36 में हो सकता है स्थान परिवर्तन हुआ है ये, इसके बाद से यहाँ चलते हुए यहाँ आ गए आप, इस जगह पर आ गए हम 55 वर्ष पर, और 55 वर्ष पर जो आपकी कुछ रेखा हल्की पड़ी है, तो थोड़ा सा मैं आपको कहूँगा अपना सेहत का आपको ध्यान रखना चाहिए। जहाँ तक आयु रेखा की बात है तो ये रेखा मिलकर के उस रेखा में जाकर आयु रेखा बन रही है, तो जब ऐसी स्थितियाँ होती हैं तो ये आयु रेखा का रोल यहाँ हो जाता है। अभी वर्तमान में जो देखने लगता है वो लगता है 74-75 की आयु, लेकिन आयु रेखा आगे भी बढ़ जाती है, और साथ ही साथ एक अंदर सपोर्टिंग रेखा भी है, ये संजीवनी रेखा आपके साथ जो आपको जीवन में अब तक 55 वर्ष तक आपको बचाती रहेगी हर मुसीबतों से, तो यहाँ इसने भी साथ छोड़ दिया है। तो आगे वगैरह सेहत का आपको विशेष रूप से ध्यान करना है, उसके लिए मैं कोई पूजा पाठ भी आपको बताने वाला हूँ। चलिए आपकी ये हेल्थ के बारे में हो गया, आपने कहा रिलेशन विद चाइल्ड, आइए दूसरा यहाँ पर चलते हैं, ये पर्वत आपका अनुकूल पर्वत है जो बच्चों से संबोध लिया, साथ ही साथ ये बृहस्पति पर और ये बुध, ये सब की सब स्थितियाँ आपके अनुकूल हैं, तो आपको बच्चों का साथ मिलेगा, इसमें कोई भी दोहरा नहीं है। तो बच्चों से ये यहाँ पर शुक्र पर्वत से आकर रेखा मिल रही है यहाँ भी, तो बच्चों से आपको सहयोग मिलेगा, ये आपकी हाथ की रेखाएं बता रही हैं। पैतृक संपत्ति का विवाद, बिल्कुल पैतृक संपत्ति का विवाद यहाँ पर ये नीचे भी बता रही हैं, और बृहस्पति पर्व पर भी आपकी पैतृक संपत्ति का योग मुझे दिखाई दिया, और यदि मैं इसको कहूँ तो यहाँ भाग्य रेखा से अगर मैंने पढ़ा है तो निश्चित रूप से 2021 के बाद आपकी ये पैतृक संपत्ति वाला जो मुकदमा है ये निबट जाएगा, जो आपके काफ़ी कुछ अनुकूल स्थिति में आपको मिलेगा।
आइए बात कर लें आपकी एक और रेखा की, जिसको बोलते हैं बुद्धि रेखा। ये आपकी बुद्धि रेखा, और बुद्धि रेखा ने देखा मंगल पर्वत को। अगर ये मंगल पर्वत को ना देख रही होती तो आप कभी भी जीवन में वकील नहीं होती। मंगल साहस का कारक होता है, मंगल मुकदमे का कारक होता है, मंगल आपके जीवन में जो वकालत का क्षेत्र है ये मंगल आपको दिलाता है। तो इस रेखा ने बुद्धि रेखा यहाँ गई, मंगल क्षेत्र आपको पहुँचाया। यहाँ नहीं जाती तो कोई पुलिस ऑफिसर बन जाती। तो ये आपको साथ ही साथ यहाँ एक रेखा ने आकर के, भाग्य रेखा ने यहाँ थोड़ा आपके जीवन में जरूर भाग दौड़ भी काफ़ी रही है। और ये चंद्र पर्वत यहाँ से जा कर के ये इस बात को दर्शाता है कि जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा जीवन में आपने यात्राओं को भी सहा है। यहाँ ये देखिए ये पर्वत ज़्यादा ट्रेंगल से दूषित भी है, तो टेंशन भी आपको बहुत ज़्यादा। चंद्रमा पर्वत पर इतनी सारी रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, व्यक्ति ने बहुत टेंशन झेली है। तो ये टेंशन भी आपके साथ में लगातार लगी रही है, इतनी ज़्यादा मिल रही हैं, तो जीवन में ज़्यादा टेंशनों का सामना करके व्यक्ति स्वयं को सिद्ध कर देता है। अब ये देखिए आदमी की यह भी व्यवसाय रेखा मिल गई। आप मंगल से रेखा निकली, इधर ये सूर्य क्षेत्र से निकलने वाली रेखा, यानी कि आप राज्य क्षेत्रों से भी धन कमाएंगी, आप यश भी कमाएंगी। साथ ही साथ अगर ऐसा व्यक्ति अपना व्यवसाय कर रहा है तो व्यवसाय की रेखा ये हाथ में है, तो आपका ये वकालत का व्यवसाय है, तो व्यवसाय के द्वारा भी आपने धन कमाया है। साथ ही साथ अगर कोई और भी स्वतंत्र व्यवसाय आप करती तो उससे भी आप धन कमा सकती थी, तो या आपने कमाया हो तो कमाया भी हो। तो ये आपके यहाँ पे हाथ की सभी रेखाओं को मैंने पढ़ा, और भाग्य रेखा तो आपकी बिल्कुल एकदम जुड़ी हुई है नीचे स्थान से, तो कई बार व्यक्ति को जो है बिल्कुल पैतृक संपत्ति भी मिलती है। तो यह ये सब स्थितियाँ आपके अनुकूल मिली। तो आयु रेखा को मैंने बता दिया, मंगल रेखा को मैंने बता दिया, आपकी सभी पर्वतों के रेखाओं के बारे में बता दिया, हृदय रेखा को बता दिया, पति से टेंशन को बता दिया, सारी चीज़ों को मैंने बताया है। जमीन जायदाद के जो भी आप सवाल पूछे हैं आपने सभी का सवालों का मैंने जवाब दिया। शुक्र पर्वत को देख लेते हैं, ये शुक्र पर्वत है, और शुक्र पर्वत पर ये आती हुई शुक्र क्षेत्र से ये रेखाएं जो व्यक्ति को अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करती हैं, आपको जीवन में अच्छा जो है अनुकूल स्थिति मिलेगी, और ऐसे व्यक्तियों को विदेश यात्राएँ भी मिलती हैं। तो आपको यहाँ मैंने आपके सभी पर्वतों के बारे में आपको बताया, आपके पास सुख साधन बने रहेंगे, जीवन पर्यंत बने रहेंगे, संतान से सहयोग भी आपको मिल जाएगा। देखने में आपके हाथ से दो संतान का योग लगता है। तो चलिए यहाँ मैंने आपके सभी पर्वतों को, रेखाओं को, सब चीज़ों को पढ़ करके आपको बताया। आशा करता हूँ आपको संतुष्ट मैंने किया होगा। अब थोड़ा सा मैं आपको उपाय जरूर बताना चाहूँगा। यदि आप ये चाहती हैं कि आपके जीवन के जितने भी मुकदमे हैं, जो भी झड़े हैं, उन सबसे आप मुक्ति पाएँ, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको अपनी पूजा के अंदर क्या पूजा करनी चाहिए। देखिए एक तो आप शनि को मनाइए थोड़ा सा। आपको जाकर के शनिवार के दिन आप शनि देव के मंदिर में जाइए शाम के समय, और एक दीपक जलाएं तेल का, और बाद में हनुमान जी के दर्शन करने के बाद आप घर पर आए। दूसरा आपको संकट नाशन गणेश स्तोत्र, संकट नाशक गणेश स्तोत्र इसको भी आप पढ़िए। और तीसरा आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए, क्योंकि मैं आपके स्वास्थ्य के प्रति भी चिंतित हूँ। तो तीन ही उपाय हैं, बस इनको कर लीजिए, आपके सब चीज़ आपके अनुकूल हो जाएंगी। आशा करता हूँ आपके सभी सवालों का जवाब मैं दे गया हूँगा। नमस्कार।